पाक परवरदिगार के जिसने कयामत तक के लिए हमारी हिदायत का रास्ता खोल दिया, यानी हमें दर अहले बैत से मुतमस्सिक कर दिया। एहसान है उस रब्बुल आलमीन का और बड़े खुश किस्मत है हम कि हम इस घर से वाबस्ता हैं, ये जहाँ आकर हमारी दुआएं मुस्तजाब होती हैं, कि जिनका रास्ता सिराते मुस्तकीम का रास्ता है, कि जिनका रास्ता एहतराम और वाजिब तासीम, लेकिन हर वक्त के कुछ तकाजे होते हैं। इस वक्त का तकाजा ये है कि हम अव्वल या दूम इमाम की इमामत में जिंदगी नहीं गुजार रहे, बल्कि हम दौरे इमाम आखिर जमा में जिंदगी मोहम्मद तो इस लिहाज से हर इंसान की हर मोमिन की हर मोमिना की कुछ जिम्मेदारियां हैं और कसरत के साथ आया है कि कोई भी मोमिन या मोमिना या कोई भी इंसान उस वक्त तक हमारा चाहने वाला नहीं बन सकता कि जब तक कि अपने ऊपर आई शुदा जिम्मेदारियों को पूरा ना करता हो। जिम्मेदारियाँ तो बहुत हैं, जिसमें से एक या दो बयान करने की कोशिश करूँगी कि फरमाने इमाम आखिरुज़ ज़मां हो रहा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़इन्ना युहीतु इल्मना बिअबनाकुम वला युज़ाबु अन्ना शाइन मिन अब्वालकुम, हमारा इल्म तुम्हारे तमाम तर हालात का अहाता किए हुए हैं, तुम्हारे अहवाल से कोई भी चीज़ हमारे लिए पोशीदा नहीं है। देखिए साहिबान ईमान, एक तो हमारा ईमान कामिल है, ईमान यकीन है कि एक ज़ात है कि जो ज़ात परवरदिगार है, कि जिसकी निगाह हमा वक्त अपने हर बंदे पर मौजूद है, चाहे कितने ही पर्दों में छुप जाएं, कितने ही तहखानों में छुप जाएं, लेकिन हमारा यकीन है कि वो ज़ात है
जो हमें हर वक्त देख रही है। इसी तरह से कायम है आगे मोहम्मद हुज्जत इमाम इमाम आखिरुज़्ज़मां कि जो हमारे मौजूद इमाम हैं हर वक्त हमें देख रहे हैं। अल्लाह कहते हैं हर शबे जुम्मा मैं तमाम अपने छपने वालों का तमाम शियाने हैदर इकरार के नामाए आमाल पूरे हफ्ते के मेरे सामने आते हैं और जब वो आमाल हमारे ऐन मुताबिक होते हैं तो इमाम कहते हैं कि मैं तबस्सुम फरमाता हूँ यानी मुस्कुराता हूँ और अगर वो आमाल हमारे मुताबिक नहीं होते तो इमाम कहते हैं कि मैं गिरिया करता हूँ मैं रोता हूँ। साहिबान इमाम यहाँ मैं इमाम ज़माना के हवाले से आपकी समातों में पेश करूँगी कि क्या जिम्मेदारियाँ हैं कि हम कहीं तो इस काबिल हो जाए कि जब हमारे इमाम का ज़ुहूर हो तो हम अपने इमाम का उमदा पेशानी के साथ इस्तकबाल करें। जो हम बुलाते हैं ना कि इमाम अलजल अलजल असाद असाद मौला अभी आ जाए इसी वक्त आ जाए इसी लम्हे आ जाए क्योंकि हम तैयार हैं कि ज़रूर इमाम हो जाए और हम इमाम का सामना कर पाए। तो रिवायत में आया कि किसी भी मोमिन या मोमिना की पहली जिम्मेदारी ये है कि वो हर वक्त गमगीन है यानी इस बात का गम मनाया करे कि पाए में आले मोहम्मद मौजूद है ज़ियारत उज्जते इमाम मौजूद है लेकिन हमारे गुनाहों की कसरत है कि जो हमारे और इमाम के दरमियान वो पर्दा जो गुनाहों का है वो हाइल है कि हम अपने इमाम से मुलाकात नहीं कर पा रहे। आज हमें से कितने लोग हैं जो गिरिया करते हैं जो तकलीफ महसूस करते हैं कि काश हम ज़ियारत मुक़द्दसा को जा सकें इमाम के रोज़ों की ज़ियारत को जा सकें। सबका अरमान है मेरा भी अरमान है कि हम अपने इमाम की मासूमीन की रोज़ों की ज़ियारतों को जा सकें लेकिन क्या हम में से कोई भी इस बात का गम मनाता है कि हुज्जत इमाम ज़ियारत आले मोहम्मद हमारे दरमियान मौजूद है लेकिन हमारे गुनाहों की कसरत है कि हम अपने इमाम से मुलाकात नहीं कर पाते। तो रिवायत में लिखा है कि हर वक्त इस बात का गम मनाया करो कि ज़ियारत आले मोहम्मद मौजूद है और तुम अपने गुनाहों की वजह से अपने इमाम से मुलाकात नहीं कर पा रहे। तो लिखा है कि अगर कोई भी मोमिन या मोमना इस ख्वाहिश के साथ इस गिरिए के साथ अगर इस जहाने फानी से कूच भी कर गया कि काश कि मैं अपने इमाम के जमाने को अपनी आंखों से देख सकूं मुझे इश्तियाक है मुझे तड़प है कि मेरे इमाम का ज़ुहूर हो और मैं उनके दौरे हुकूमत को अपनी आंखों से देख सकूं। तो इसका सवाब इतना है कि जितना जंग बद्र हुनैन में हिस्सा लेने वालों का। और लिखा है कि अगर कोई ऐसा मोमिन या मोमना इस जहाने फानी से कूच भी कर गया तो जब उसके इमाम का ज़ुहूर होगा यहाँ तक कि उसकी हड्डियाँ अगर मिसले सकूफ भी बन गई तो भी उसको दोबारा से कलकत हयात अदा की जाएगी कि तेरी ख्वाहिश थी तेरा अरमान था तेरी आरजू थी कि तू अपने इमाम के दौरे हुकूमत को अपनी आंखों से देख सके उठ जा के तेरे इमाम का ज़ुहूर हो सबसे पहली जिम्मेदारी ये है बीच में कई जिम्मेदारियाँ गुजाइश नहीं कि बयान किया जा सके। आखिरी जिम्मेदारी क्या है आखिरी जिम्मेदारी ये है कि तुम हर इमाम को अपनी मदद के लिए पुकारो तो बस है हमारा वसीला क्या है अहले बैत अहले बैत कि हम जब भी हमारा दिल चाहता है हम जिस भी इमाम से तवज्जो करते हैं और उनको अपनी मदद के लिए पुकारते हैं तो बेशक मासूमीन हमारी दुआओं को सुनते हैं हमारी दुआओं को शर्फ़ कबूलियत पहुँचाते हैं लेकिन लिखा है कि हर इमाम को पुकारो
लेकिन खुसूसियत के साथ अपने वक्त के इमाम को बुला लो, क्योंकि वो तुम्हारे मौजूद इमाम है, तुम्हारे दरमियान मौजूद है। और साहिबान इमाम, आपकी समातों की नजर कर दूं कि जब भी फर्शे हुसैन बिछाई जाती है और अगर उस फर्शे हुसैन पर तस्किरा या मसाइल जनाबे अब्बास अलमदार के होते हैं तो सबसे पहले आपके वक्त का इमाम उस फर्शे अज़ा कर, यानी इस वक्त मेरा दिल कहता है कि वक्त का इमाम यहाँ मौजूद होता है, दुआओं को इमाम समाना के सुपुर्द कीजिए और दुआ कीजिए कि बारे ला हमें ऐसा बना दे कि जैसे हमारे वक्त का इमाम चाहता है। तो साहिबान इमाम के हर इमाम को अपनी मदद के लिए पुकारो, लेकिन खसूसियत के साथ अपने मौजूद इमाम को पुकारो हमारी मदद के लिए आएंगे। जैसे एक वाकया नकल किया गया कि एक शख्स कि जिसका एक ही जवान बेटा था और वो इंतकाल तो नहीं हुआ था उसका, लेकिन उसकी हालत इतनी ज़्यादा गैर हो गई थी कि लोग उसके घर पर उसका बेटे को फुर्सा देने के लिए आने लगे कि देख रहे थे कि जाता नहीं कि आदम मेरे किसी वक्त उसकी रूह उसके जिस्म से परवाज़ कर जाएगी। बस साहिबान इमाम, वो बाप ये कहता है कि जिस भी शख्स ने मुझसे कहा कि तुम फलाने तबीब को दिखा दो, फलाने हकीम को दिखा दो, ये दुआ पढ़ दो, वो दुआ पढ़ दो, वो बाप कहता है कि जाहिर है कि मेरा एक ही फर्जंद था, मुझसे जहाँ तक मुमकिन हो सका मैंने उसके लिए वो सब किया। एक दिन देखता है कि बेटा निज़ाम के आलम में, निज़ाम का आलम क्या होता है सब जानते हैं, तकलीफ से आलम होता है, हर कोई समझ जाता है कि ये मोमिन या मोमना का आम कोई वक्त है। बस वो कहता है कि मैं अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने जाता हुआ देख रहा था, उस पर आलम निज़ा तारी था कि इतने में एक शख्स आया और कहा कि मुझे मालूम चला है कि तुम्हारा बेटा बहुत ज़्यादा बीमार है। तो कहता है कि हाँ ये मेरा बेटा है, बहुत हैरान होता है, कहता है कि तो बहुत तंदुरुस्त और तवाना था इसका ये आलम, कहा कि बस बीमारी में मुबतला हुआ और अब जाकर ही के आदम में है। कहता है कि मुझे इमाम ने नहीं बुलाया, कहता है कि मुझसे जो भी मुमकिन हो सका, जिसने मुझे बताया कि फलाने तबीब को दिखाओ, फलाने हकीम को दिखाओ, ये दुआ पढ़ो, वो दुआ पढ़ो, मैंने मुझसे जहाँ तक मुमकिन हो सका मैंने अपने बेटे को बचाने की कोशिश की और आज के सामने ये जाकर ही के आलम में है कि किसी भी लम्हे इसकी रूह इसके जिस्म से परवाज कर। कहता है कि ये बताओ क्या तुमने अपने वक्त के इमाम को बुलाया है, क्या तुमने अपने इमाम ज़माना से तवस्सुल किया है? कहता है कि नहीं, मैंने उनको तो नहीं बुलाया, मौजूद इमाम है वो, तो मौजूद इमाम है, तुमने उन्हें क्यों नहीं बुलाया? जाओ अभी जाओ और जाकर अपने छत के बारह खाना पे जहाँ से खुला हुआ आसमान दिख रहा है अपने इमाम से इस्तगासा करो। कहते हैं कि बेटा तुम जाकर नहीं क्या था, मैं अपने सीधे छत पर जाऊँगा, छत के ऊपर जाऊँगा तो हो सकता है जब वापस आऊँ तो इसके जिसम से रूह परवास कर चुकी। कहता है कि कोशिश तो करो। असल वाले इमाम वो बाप था, कहता है कि ये कोशिश भी मैं कर लूँगा। बस वो कहता है कि मैं इंतहाई मुर्दा हालत में सीढ़ियों पर चढ़ रहा था ये छत के जाने जाने के लिए, मेरे बेटे की हल्की हल्की करहाने की आवाज़ें मेरे कानों में आ रही थी। कहता है कि बस मैं अपनी छत पर आ गया और बस मैंने खुला आसमान देखा, अपने इमाम से इस्तगासा किया, अस्सलाम वालेकुम अल्लाह साहिबुज़्ज़मान मौला मदद को आइए। साहिबान हम सब जानते हैं कि जिसका जवान बेटा चाहे वो बाप हो चाहे माँ हो उसके लिए उसकी अहमियत यकीन क्या तड़प रही होगी उस मर्द मोमिन की
क्योंकि उसने अपने इमाम से इसका हासिल किया कि माला आ जाइए एक ही फर्जन है शफावत कीजिए। दस साल वाले बाद वो इंतहाई किया कल के जब अपने सीढ़ियाँ चढ़ के जब गया था और जब सीढ़ियाँ उतर कर आ रहा था तो कह रहा था कि इंतहाई बोझल कदमों से नीचे की तरफ आ रहा था, जिसे खिलेटे की कोई बढ़ाने की आवाज नहीं आ रही थी। तो कहता है कि मेरे दिल में ये बस वैसे आ रहे थे कि मैं जब जाऊँगा तो बेटे को जीता नहीं पाऊंगी। वो आखिरी सांसों से भी रुखसत हो चुका है। वो कहता है कि बस मैं जब नीचे आया हूँ देखा कि जिस पलंग पर मेरा बेटा लेटा हुआ था, जैसे ही मैं नीचे पहुंचा हूँ तो उसका बेटा खड़ा होकर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अस्सलाम वालेकुम मेरा सलाम हो। वो बाप इंतहाई हैरान और परेशान था कि बेटे ने अपनी बाहों को फैला दिया और अपने बाप से इस तरह से इस जोश के साथ उसके गले लगा है जैसे बहुत तंदुरुस्त और तवाना हो। भाई सौफ के आलम में था, भाई ठीक हो चुका था, नाकाहत जदा था, लेकिन जो बाप के गले लगा है तो लगा कि जैसे कोई तंदुरुस्त और तवाना हो। तो बाप कैसा क्या माजरा हुआ, दरियाफ करो कि क्या माजरा हुआ। तो बेटा कहता है कि बाबा मुझे ये तो नहीं मालूम कि मैं किस आलम में था, लेकिन बस मैं जानता हूँ कि कुछ देर पहले एक नूर का हाला सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो जो नूर का हाला था बस जैसे जैसे वो अपने दस्त शफ़क़त मेरे सीने पे फेंकते जाते थे सुभान अल्लाह उससे तमाम बीमारी दूर होती जाती थी और एक तवानाई मेरे जिस्म में आती जाती थी। और उन्होंने मुझे कहा कि देखो अभी तुम्हारा पितर बुजुर्गवार तुमसे मिलने के लिए आएगा तो खड़े होकर अपने बाप की ताजीम कर। सुभान अल्लाह। साहिबान ईमान दुआ कीजिए स्पेशल हुसैन पर बैठ कर मौजूद है और साहिबान ईमान दुआ करें कि बारे दफा हमारे इमाम का ज़हूर से जल को हमारे लहा हमें ऐसा बना दे जैसे कि तवक्कात हमारा इमाम हमसे रखता है। जब हमारे इमाम का ज़हूर हो तो हमें अपने इमाम के सामने शर्मिंदा न होना। साहिबान ईमान अपने मजलिस को समेटते हुए मसाइब से जाने अज़दार इमाम इब्राहिम हुसैन मंसूर की मौला खाना ने जनाब अब्बास के नाम से जब कभी गैर दे इंसान का सवाल सलावात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद।